हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 19 अप्रैल 2021 की क्लास फोर्थ की वर्कशीट नंबर 13B करने जा रहे हैं, ठीक है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सभी यहाँ अपना नाम, सेक्शन और टीचर का नाम लिखेंगे। देखो टेक्स्ट बुक कौन सी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। टेक्स्ट बुक है हमारी, एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक है हमारी लुकिंग अराउंड और यूनिट टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, वे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि, ठीक है। जिन भी चीज़ों से हमें पानी मिलता है वो उसको हम पानी के स्रोत या फिर सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। देखो जैसे पॉइंट वन में क्या दे रखा है, चित्र में देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। क्या क्या होंगे? जैसे कि कुआं, तालाब और ये क्या है, समुद्र और ये बांध, ठीक है। और वर्षा, ठीक है, यही सब नज़र आ रहे हैं इसमें। आगे करते हैं, आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे क्या है? नल। वैसे तो पीछे जो टैंक्स होते हैं उसमें से आता है, बट जो हमारा मेन सोर्स है पानी का वो नल है, ठीक है, हम उसी में से पानी लेते हैं। बच्चों जैसा कि आपके ऊपर दिए गए चित्रों में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत के नाम लिखिए। देखते हैं, नल, झील और भूमिगत पानी, हैंडपम्प, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा हैं। और आगे पढ़ लेते हैं, बच्चों हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि नदियों, झीलों, समुद्रों, भूमिगत पानी के दूषित होने से है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, नीचे दिया गया चित्र देखिए और बताइए कि पानी दूषित कैसे होता है। ये कूड़ा जो फेंक देते हैं हम पानी में, उसकी वजह से फैक्ट्रीज़, ठीक है, ये सब हैं, ये जो गार्बेज हम फेंक देते हैं ना इसमें, उनकी वजह से। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही व गलत पर निशान लगाइए। हमें कपड़े नदी के किनारे में धोने चाहिए, गलत। कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को नदियों और समुद्र में फेंकना चाहिए, गलत। हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, सही। गंदे नालों में पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए, सही। नेक्स्ट, अभिभावक लोग सुझाव, बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसे कि ब्रश करते वक्त नल खुला ना छोड़े इत्यादि। तो हमारी वर्कशीट यहीं फिनिश होती है, थैंक यू। जैसे कि